पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार अपना टैक्स कम करे, फिर राज्य सरकारों को कहे। नियोजन को लेकर उन्होंने कहा कि अब झारखंड में नए तरीके से बहाली की प्रक्रिया चालू की जाएगी और इसको लेकर सरकार भी चिंतन और मंथन कर रही है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र इलाके के सरोज नगर में बीते 19 फरवरी को दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट और हत्या के मामले को पुलिस ने दूसरे दिन भी खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का सगा बेटा योगेश उर्फ राजा है। योगेश द्वारा की गई अपनी प्रेमिका से कथित शादी की वजह से परिवार के लोग उसे पैसे नहीं देते थे, घर से भी उसे अलग कर दिया गया था। नाराज योगेश ने घर में घुसकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के करीब 1 करोड़ रुपए, हीरे, सोने चांदी के जेवरात के 2 बैग भी बरामद किए गए। 1 लाख रुपए की नकद धनराशि भी बरामद की गई। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त तिजोरी काटने वाला ग्राइंडर भी बरामद किया है। शाम आफ्टरनून में घटना हुआ है, एक महिला का हत्या के साथ लूटपाट हुआ है एक सोनार के मकान में। पुलिस ने उस घटना का अनावरण किया। 24 घंटे के अंतर्गत हमारा एसपी क्रिम और एसपी सिटी के नेतृत्व में है ये घटना अनावरण हुआ है। घटना में पता चला है जो मृतक का बेटा ने अपना माँ का हत्या किया है लूटपाट करने के लिए है, ये घटना हुआ है। उस पर बेटे के साथ उनका दोस्त तनु और उनका दो तनु का गर्लफ्रेंड और बेटा का पत्नी, ये सभी 4 लोग शामिल था है। उनका 4ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो घटना में कितना भी माल गया है, लगभग 1 करोड़ का ज्वेलर्स ये हेरा। और यूपी के बाराबंकी जिले